बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सिरसा के सुभाष चौक पर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए पुतला दहन किया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता होशियारी लाल शर्मा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ विरोध जाहिर किया। होशियारी लाल शर्मा ने बताया कि आज किसान, व्यापारी और मजदूर सड़कों पर है, लेकिन बीजेपी सरकार मूल है। सरकार के इसी रवैये को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आपको बता दें कि लगातार 9वें दिन पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी भी दर्ज की गई है। तो महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, जिसको लेकर बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस ने हल्ला बोला है। केंद्र सरकार के खिलाफ ये हल्ला बोला गया, सुभाष चौक पर पुतला दहन करके विरोध जाहिर किया गया। देश में लगातार बढ़ रही महंगाई से आम लोगों का जीवन पूरी तरीके से प्रभावित हो गया है। सिरसा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महंगाई के खिलाफ हल्ला बोला। हमारे संवाददाता अमर सिंह ने मौके का जायजा लिया है, इस रिपोर्ट को देखें। लगातार पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर आम लोग परेशान है। वही आज कांग्रेस पार्टी ने प्रदर्शन करने का मन बनाया। आप देखते तो इसमें मौजूद है सुभाष चौक में, जहां सभी कांग्रेस कार्यकर्ता पंडित होशियारी लाल शर्मा के नेतृत्व में एकत्रित हुए और लगातार इनके खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। मैं इनसे बातचीत करना चाहूँगा, आज प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मामला आपको? आज महंगाई की बात है, सारे देश के अंदर जो है महंगाई बढ़ती जा रही है। डीजल जो है 90 रुपये लीटर हो चुका है, पेट्रोल 100 रुपये लीटर हो चुका है, गैस का सिलेंडर 800 रुपये हो चुका है। महंगाई बढ़ती जा रही है और ये गूंगी बेरी सरकार कहते थे भी अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन तो नहीं आए, बुरे दिन आ गए। आज चाहे व्यापारी है, चाहे किसान है, चाहे मजदूर है, चाहे रेहड़ी वाला है, हर वर्ग दुखी है, हर वर्ग दुखी है। इनका कहना है, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कांग्रेस पहले जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े थे, अब रसोई के दाम भी बढ़ा दिए गए और पिछले एक सप्ताह से लगातार दाम बढ़ रहे हैं, किस तरह से जो महंगाई पर पड़ेगा इसका? जिस प्रकार से देश के अंदर जब से मोदी सरकार आई है महंगाई चरम सीमा पर है। जब तक पेट्रोल डीजल की मैं बात करूं, जब कांग्रेस की सरकार थी तो इससे आधे रेटों में पेट्रोल के दाम थे और आधे रेटों में डीजल के दाम थे। आज इन दाम बढ़ने से महंगाई पर सीधा असर होगा, क्योंकि ट्रांसपोर्ट महंगी हो जाएगी, ट्रांसपोर्ट महंगी होने की वजह से महंगाई पर सीधा असर होगा और आम गरीब आदमी का खाना इतना महंगा हो जाएगा कि उसको खाना ही मुश्किल रह जाएगा। इसके साथ साथ सिलेंडर के दाम डे प्रतिदिन बढ़ाते जा रहे हैं। पहले सब्सिडी का नाम लेकर पहले पूरे पैसे बुलवाते थे, खातों में सब्सिडी डलवाते थे और अब सब्सिडी नील के बराबर हो चुकी है। इसी प्रकार की नीति अब ये तीन काले कानूनों के अंदर ये अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि डिपो बंद करके गरीब के खाते में पहले ये दिखाएंगे हम सीधे पैसे डालेंगे और सीधे पैसे डालने के नाम पे उसके बाद में धीरे धीरे उन पैसों को खत्म कर दिया जाए। यानी लगातार इनका आरोप है कि जो सरकार लगातार फैसले ले रही है, चाहे कानून कृषि कानून की बात करें, चाहे महंगाई लगातार जिस तरह पेट्रोल डीजल कम करें। आमतौर पर देखा जाए तो पेट्रोल डीजल की जो दाम है उससे सीधा ट्रांसपोर्ट से लेना देना होता है और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ती है, सारी चीज़ें महंगी बढ़ती है, तो आप क्या करना चाहेंगे? डीजल से पूरी किसानी जो है उसको पकाने के लिए, तैयार करने के लिए उसमें डीजल की ज़रूरत पड़ती है। ट्रांसपोर्ट के लिए चाहे वो सब्जी के रेट हो और आम गृहिणी का जो बजट है वो प्रभावित होता है। और आज जो 400 रुपये का सिलेंडर था वो आज 800 रुपये पे पहुंच चुका है और सब्सिडी के नाम पे बरगला के जो आज जो है सिर्फ 17 रुपये रह गई है। तो आसमान छूने वाली इस सरकार ने, और अभी इससे भी आगे आज की न्यूज़ है कि ये पुलिस को भी बेचने जा रहे हैं, ये LIC को बेचने जा रहे हैं, ये बस स्टैंड को बेचने जा रहे हैं। तो कांग्रेस लगातार प्रदर्शन करी, आगे किस तरह का विरोध प्रदर्शन रहेगा? कांग्रेस जो है प्रदर्शन कर रही है महंगाई के खिलाफ भी और किसानों के हक में, क्योंकि तीनों काले कानून जो है किसानों को बर्बाद कर देगा, किसानों को उजाड़ देगा। कांग्रेस पार्टी हमेशा किसानों के साथ रही है और महंगाई के खिलाफ भी हम जो है लड़ाई लड़ेंगे और इसके नाक में दम कर देंगे, इसको भगा के छोड़ेंगे, मोदी का इस्तीफा देना पड़ेगा। भागे तो ये सभी कांग्रेस कार्यकर्ता आज यहाँ सुभाष चौक एकत्रित हुए, इनका सिर्फ साफ कहना है कि जिस तरह से डीजल पेट्रोल कीमतें लगातार बढ़ रही है उनके खिलाफ ये प्रदर्शन है। और सभी कर्मचारी जो आप देखते हो, कार्यकर्ता जो इनके हैं वो आप देख सकते हो यहाँ सुभाष चौक में खड़े हुए और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका यही कहना है कि जब तक इस तरह की, जब से मोदी सरकार आई है तब से लगातार इस तरह के दाम बढ़ते जा रहे हैं और आम लोगों के लिए महंगाई ने जीना दुभर कर दिया है। सिरसा समर सिंह जानी, इंडिया।